Good Choice Studio and Islamic Network. कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, ए अंधेरे अपने ही गिराते नशे मन में बिजलियां, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरे खामोश सामईन कभी कभार बोला करो सुभान अल्लाह। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। अरे माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमां छुआ। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। बुलंदी देर तक किस के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत जी चाहता है कह दे जहां से निकल जाए, जिसका ध्यान इधर उधर उसे क्या पता क्या बात हो रही है, बहुत जी चाहता है कह दे जहां से हम निकल जाए। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के मायने से वो चेहरे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तलख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ अदीर तवज्जो की निगाह, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तलख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दे वो रवैये याद रखता हूँ। और सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, मैं जुमले आहिस्ता पेश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर जान आ जाए। सुना था ये देखिए फन के जो फन जो फन के यकीनन तलबगार है फनकार कह रहे हैं बिस्मिल्लाह आपके आपके अल्फाज में सरजमीन कसूर से तशरीफ लाए हैं भाई अहमद साबरी साहब, शुक्रिया। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, छोड़ो अब इंसान लेते हैं, गुर्बत है रक्सा हमारी बस्ती में। मैं जुमले आहिस्ता पेश करूं, ये तलख जुमले हैं, गुर्बत है रक्सा हमारी बस्ती में, बेच का जिस्म लोग सामान लेते हैं, इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूं मैं, आपके लिए कह रहा हूं इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूं मैं, आपके दिल की तर्जमानी कर रहा हूं, इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूं मैं। आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं, है बख्शिश जब तेरे इख्तियार में मौला, ना जाने क्यों लोग ये इम्तिहान लेते हैं, है बख्शिश जब तेरे इख्तियार में मौला, ना जाने क्यों लोग ये इम्तिहान लेते हैं। और मेरे दोस्तों ये आपको जंग तक जाते हड़ी तक जाते आपको ये जुमले याद रहेंगे, उमेर मोबाइल छोड़ेंगे तो आपको भी याद रहेगा। मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी, हाँ मैं इधर उधर नहीं देखता लेकिन मैं हर तरफ देखता हूँ, मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी जो उदास है मुझे रास है, मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी जो उदास है मुझे रास है, है जो तिश्नगी मेरी रूह में ये जो प्यास है मुझे रास है, तू मिला न कर मुझे प्यार से, मुझे इश्क है तेरे वार से, तेरे कहर में तेरे जहर में जो मिठास है मुझे रास है,
ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर, ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर, ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर, कई मंजिलों की नवीद है, ये अटा हुआ ये फटा हुआ जो लबास है मुझे रास है, ये अटा हुआ ये फटा हुआ जो लबास है मुझे रास है, और कहीं एक खुशी की तलाश में गमे दोस्तों को भुला ना दूं, कहीं एक खुशी की तलाश में गमे दोस्तों को भुला ना दूं, तो ये तय हुआ मेरे चार घर के जो पास है मुझे रास के जो पास है मुझे रास है, और यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, सर झुकाने से झुकी रहती हैं शाखें मेरी, दूर से लोग समर बार समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, हाँ, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, मैंने मिसरा अदा कर दिया आपने देखा भी ना, कि गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। अब मैं बात कर रहा हूँ उस मिसरे की जिसकी वजह से मैंने ये अशआर आगाज किया कि रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ मैं। अब इस जुमले की गहराई तक जाइएगा, जुमले की मार्फत को समझिएगा, फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ मैं। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हूँ, और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे, लाश की तरह सरे आबे रवा हूँ उस्मान, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे, रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूं मैं। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे, बहुत ऊंची इमारत हर खड़ी खतरे में रहती है, वहीं से आगाज कर रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा, बहुत ऊंची इमारत हर खड़ी खतरे में रहती है, जिसको जरा भी अपनी अम्मी से प्यार है ना, वो ये मिसरे सुनने के बाद जरूर सर झुकाएगा, और सर झुका के खामोशी के साथ समाप्त करेगा। जो मैंने आपको मजा देना था, आप लेने आए थे, वो यकीनन मजा आप अशार का ले चुके हैं, लेकिन अब अपनी अम्मी की शान भी सुन लीजिएगा, कि बहुत ऊंची इमारत हर खड़ी खतरे में रहती है, बहुत जी चाहता है कह दें जहां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता है, लेकिन माँ अब तक मेरे चेहरे को पड़ा करती है, माँ की सब खूबियां बेटी में चली आई हैं, मैं तो सो जाता हूँ लेकिन वो जागा करती है, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं, खुदा ने ये सिफत दुनिया में हर औरत को बख्शी है, अरे वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, अरे वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, एक मुद्दत हुई मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार कहा था माँ डर लगता है, बल्दी अगते आप खलौंदा, बल्दी अगते आप
खलोंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा नेरी मील तूफान नहीं बेंदा हास के सारियां सख्तियां सेंदा ते बच्चा वेख नहीं सकदा रोंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा कदी भी जेड़ा थकदा नहीं कदी भी जेड़ा थकदा नहीं क्योंकि बल दी अग ते आप खलोंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा कदी भी जेड़ा थकदा नहीं जिद्दा मन मन आकदा नहीं मथे तीड़ी जरा नहीं पौंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा अल्लाह आपके आंसू को कबूल फरमाए लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा रब को जाके भी नहीं भुलदा याद करो ते ख्वाब च आउंदा अल्लाह मेरे पीर भाई के नाना जान उसके अब्बा जी की बख्शिश माए नाना जान भी अब्बा जी थे ना बस बाप की तरह पाला था दानिश अल्लाह आपको सबर दे लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा रब को जाके भी नहीं भुलदा याद करो ते ख्वाब च आउंदा कब्र दे विच भी ओ नहीं सौंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा सानू लिखण पढ़ाउण लई साडा कल बनाउण लई बुरहान भाई खुशाम दे कहता हूं सानू लिखण पढ़ाउण लई साडा कल बनाउण लई अपने अज नू दाते लौंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा ओ जिन्ने सारा ए मेला लाया जिन्ने सारा ए मेला लाया ओने भी पहले ए प्यो ही बनाया मां दा दूजा नंबर आंदा लोको प्योजिया कोई नहीं होंदा भावे सुख हजारा अंजुम प्यो दे नाल ही बहारा अंजुम मौलाना तकरीर कर रहे थे कह रहे थे कि बंदे के पास कोठियां हों कारे हों जायदाद हों नौकर हों दौलत हों सब कुछ हों बंदे के पास बाप नहीं तो कुछ भी नहीं और बंदा मोची भी हो जूतियां सिलाई ही क्यों ना करता हो अब्बा हो तो सब कुछ होता है पावे सुख हजारा अंजुम प्यो दे नाल ही बहारा अंजुम अली ब्रादरान पावे सुख हजारा अंजुम प्यो दे नाल ही बहारा अंजुम प्यो ना होवे ते कुछ नहीं हुंदा लोको प्यो दिया कोई नहीं हुंदा लोको प्यो दिया कोई नहीं हुंदा एक दिन अर्श वाला मुझसे मिले मुझसे कहे मांग ले मांग जो मांगेगा अता करूंगा तू जैसे चाहेगा मैं तुझे रखूंगा बा अदब सर झुका के हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा तू जैसे चाहेगा मुझे रखेगा मैं खुश रहूंगा बस एक हस्ती संभाल रखना तो मेरी माँ का ख्याल रखना बस एक हस्ती संभाल रखना तो मेरी माँ का ख्याल रखना अपनी आवाज से सदा दे रहा हूँ आलम इस्लाम के अजीम सना खान मरकजी महाफल में गूंजने वाली आवाज शहर लाहौर का ये खूबसूरत नाम दिन होता है रात होती है आपके लब पे हुजूर की नात होती है हुजूर की नात जिनका हवाला और पहचान मुमताज उमर सना खान मुस्तम अली बरादरान आप तशरीफ लाएंगे सरकार की बार शायदी भावे थोड़ दे खुदा दा नाम जे गोडे छोड़ दियो ते आचो के बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी आला है कौन कौन आली है कौन कौन हैदर के दर का देखो सवाली है कौन कौन नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का चेहरा बता देगा के हलाली है कौन कौन नारे हैदरी नारे तहकीक नारे रोशिया मेरे नबी दा लबैक लबैक